Hello guys, welcome back to another video. First of all, thank you so much for all your love and support. तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम नथिया गली पहुँच चुके हैं और आज सैटरडे है और इस टाइम शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं और हम सुबह में तकरीबन 11 से 12 के दरमियान हम नथिया गली पहुँच गए थे और हमारा ये बहुत अर्जेंट प्लान था क्योंकि हमने डिसाइड किया कि जो गर्मियां हैं वो तकरीबन अब ख़त्म हो रही हैं। ऑलरेडी आपको पता है अक्टूबर जो है वो चल रहा है, तो हमने प्लान किया कि सर्दियों से पहले जो है वो एक और नॉर्दर्न एरिया का टूर हो जाए। फाइनली कॉलेज के साथ हमने इसको प्लान किया। फ्राइडे नाइट को हम आफ्टर ऑफिस जो है वो चल पड़े थे और ओवरनाइट हमने ट्रैवल किया और सैटरडे मॉर्निंग हम सुबह यहाँ पहुँच गए। सबसे पहले तो आप जो स्टार्ट वाली वीडियो है वो आप देखें, उसके बाद फिर बाकी बात करते हैं। काला खान मेरी हाउस में मिल ही गया हसन साहब की जिद थी कि बीच में आ रही खानी हमने नाश्ता करना है और जो गूगल मैप है उसने मैं सारा पिंडी घुमा छोड़ा इस काला खान में आ रही गई मिल गया। ले गाइस, हम नाश्ता करके फ्री हो चुके हैं। करतारपुरा फूड स्ट्रीट के नाम से पिंडी में ये काफ़ी फेमस प्लेस है। अब हमारा जो है वो वापसी का तो नहीं खैर, लेकिन जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी नथिया गली, यस, वहाँ पे अब हम अपना सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं। कुछ बताएं कि अभी तक कैसा सफ़र आपका रहा? सफ़र ना पूछें, हसन खान और साथ हो तो सफ़र अच्छा ना गुजरे और सब्जेक्ट है हमारे साथ। सफ़र तो ठीक ठाक इंजॉय किया है, बस हाँ ये है कि थोड़ी सी थकावट हो गई है। हाँ जाहिर है, रात के चले हुए हैं। हसन साहब गाड़ी को क्या हो गया? पानी चेंज चेक करना। अच्छा जी, यहाँ से अब लोग हम निकल रहे हैं और इंशाल्लाह नथिया गली जाके मुलाकात होगी और रास्ते में कुछ शॉर्ट्स में लूंगा, वो प्लीज आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है जी।
सही कर दी अच्छा जी, यहाँ से नथिया गली तकरीबन 18 किलोमीटर है और हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया है थोड़ी देर, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद से पिंडी से नरसा करके चले हुए थे, बीच में हमारा कोई स्टे नहीं था, तो हमने सोचा यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करें, थोड़ी सी टांगे सीधी करें। क्यों भाई? थक गए यार, बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए अभी, रात ज़्यादा थक गए, बस करीब ही है इंशाल्लाह पहुँचने लगे हैं। हसन भाई सेल्फी ले रहे हैं, बिल्कुल पहली सेल्फी है ये, या इधर नहीं आइएगा यार, इधर तो बहुत ज्यादा मसला है यार, वॉशरूम ही नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है साहब, बहुत मुश्किल हो रही है। ले जी, हमने इनसे पूछा जी वॉशरूम है यहाँ पे, कहते हैं जी बिल्कुल है, हमने कहा जी दिखाएं हमें कहाँ है वॉशरूम, वो हमें यहाँ लेके आए, आपको भी हम दिखाते हैं वॉशरूम। ये देखें जी, ये वॉशरूम है जी, ओपन एयर, यहाँ पे हवादार भी है, ओपन एयर भी है, चलो जी गया, गड्डी आ रही है, गड्डी आ रही है, फ्रंट भी आ रही है, बैठ जाओ पीछे, बैठ जाए, बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाए आ रही है, इतना ही गड्डी कल ही बैठे आ जाए जी। गाइस जी, इनकी हरकतें देख लें दोनों की, ये और जो हसन सईद हैं वो मेरा ख्याल है कुछ दुनिया में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से छलांग मार के करने लगा खुदकुशी। ना यार हसन, पेंडिंग आईडीज पड़ी हैं यार, वो कर देना भाई। मैं 9 बजे तक ऑफिस बैठा रहा हूँ, कोई पेंडिंग आईडी मैं नहीं छोड़ गया है, कल तक की मेरी सारी आईडी मुकम्मल है। ठीक हो गया है हसन साहब, आप कुछ कहना चाहें? मैं तो कुछ ही नहीं कहना चाहता, मैं तो भाई इस तरह ही बैठा रहूंगा भाई, इस तरह ही बैठा रहूंगा मैं। ओ हसन, बस इसी तरह बैठा रहेगा बेचारा, पता नहीं कितनी देर। क्या यार, यहाँ पे खामोशी अली भाई यार, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, क्या खामोशी है यार। ओ भाई इधर आओ, इधर है, इधर बैठ के देखो, इधर देखो। अच्छा जी गाइस, यहाँ से तकरीबन 1 से तकरीबन आधा किलोमीटर रह गया यहाँ से मस्जिद दतिया गली, तो यहाँ पर एक और स्पॉट था थोड़ा सा अच्छा था जहाँ पर व्यू, तो हमने सोचा यहाँ पर हम थोड़ी देर स्टे कर लेते हैं। भाई मैं यहाँ से नहीं नीचे आने वाला, आना तो पड़ेगा आपको सर, जब तक ये लॉजमेंट नंबर नहीं आता भाई। अली भाई और बनाओ यार, अली थोड़ी सी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बस कि ये जो इतना इस जगह पे पीस है ना, कि आप दिल्ली जो हसल और बसल की जो लाइफ है ना, सिटीज की लाइफ जो है, और अली भाई अगर आप दिखाना चाहें तो ये दिखाएं जरा व्यू, किस कदर पिन ड्रॉप साइलेंस है यार यहाँ पे, बिल्कुल बस ऐसे लग रहा है जैसे बंदर बोल रहे हैं, ज़ूम्बी आ गए, जैसे बंदर है पीछे यार। बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त है ये, हम लोग एक सडन प्लान है मेरा। वो उस तरफ जगह है, उस तरफ पाँव रख सकता है, उस तरफ ये आगे सारे पत्थर से हैं। ठीक है गाइस, अभी हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और गाड़ी में बैठ के जो है वो हम उधर पहुंचेंगे और फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच के जो है वो रेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़ैन साहब की भी इस टाइम फुल बस हो चुकी है। हाँ जी, सिर्फ रेस्ट चाहिए। ठीक है जी, ओके, सी यू लेटर।
ओके सो यहाँ पहुँचने के बाद हमने ऑफ कोर्स काफ़ी ट्रैवल किया था, तो हम होटल में चेक इन किया। होटल भी हमें अच्छी जगह पर मिल गया, यहाँ पर नारायण बाज़ार के अंदर ही, मार्केट में ही। उसकी वजह यह है कि ये कोई पीक सीज़न नहीं है एज सच, तो यहाँ पर कोई विज़िटर्स का कोई बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, तो हमें इजीली यहाँ पे होटल मिल गया, अच्छे प्राइस पे मिल गया। उसके बाद हमने फिर फ्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट किया, नींद पूरी की। अब हम फाइनली जो है जा रहे हैं बाज़ार में, और वहाँ पर जाके देखते हैं कि हम कुछ अगर शॉपिंग करना चाहें तो हम क्या चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा हम रात को प्लान करेंगे कुछ डिनर का, और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर विज़िट करें उस जगह। अच्छा जी, नथिया गली को विज़िट करने का आई वुड से ये बेस्ट मौसम है, क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और सर्दियों की आमद आमद है, तो इस टाइम जो है वो आप बेस्ट मौसम जो है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में रात में तकरीबन जो है वो टेम्परेचर 7-8 तक तकरीबन जो है वो गिर जाता है, तो अभी जैसी रात होगी आपको उसकी भी मैं अपडेट दूँगा। तो अभी करंटली हम निकले हैं कुछ शूट करने, कुछ पिक्चर्स लेने हैं, क्योंकि गोल्डन आवर्स चल रहा है और आपको पता है कि गोल्डन आवर्स इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक आउटडोर पिक्चर्स। वाह वाह वाह, हसन साहब, हसन सईद साहब भी अपनी फोटोग्राफी के स्किल्स जो हैं वो हमें दिखा रहे हैं, और इनका भी शूट देख लेते हैं। हाँ भाई, ऑटो है, ऑटो ऑटो इस तरह है कि हाफ प्रेस करोगे ना तो वो ब्लिंक करेगा, फोकस जब करेगा तो वो बॉक्स नजर आएंगे आपको, फिर आपने पूरा प्रेस कर देना। और इस मौसम में आने की एक और अच्छी बात जो है वो ये है इस टाइम पे आने की, क्योंकि अभी एक तो ये एक रेगुलर यूजुअल का वीकेंड है, कोई स्पेशल हॉलीडे या कोई लॉन्ग वीकेंड नहीं है, तो यही वजह है कि यहाँ पर रश उस तरह नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है। आपको होटल्स वगैरह ईजिली मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, यानी कि वो होटल्स जो सीज़न में शायद 25,000-30,000 का वो देते हैं यहाँ पर 5-bedroom या 4-bedroom, लेकिन हमें जो है वो तकरीबन 5,000 में मिल गए, और उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं है यहाँ पर जो स्टे कर रहे हैं। आजकल आपको पता है कि मरी वाली साइड पे भी काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, लेकिन चूँकि उधर अब उस तरह जो है उसकी जो ब्यूटी है वो शायद उस तरह नहीं रही, बहुत ज़्यादा रश की वजह से बहुत ज़्यादा उधर जो है वो कमर्शलाइज कर दिया है चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को। इस वजह से जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि मरी के बजाय इधर नथिया गली आया जाए या फिर मज़ीद ऊपर नारायण की तरफ जाया जाए, विच इज़ गुड, ताकि वो एरिया जो हैं वो भी प्रमोट हों। अच्छा जी, हसन सईद जो हैं ये भी मेरे बड़े अच्छे कोलीग हैं, और हसन सईद आप बताएं कि कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस हो फॉर दिस टूर? एक्सपीरियंस यार बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अगर सुकून लेना चाहते हो तो इससे बेटर जगह आपको नहीं मिल सकती। नॉर्दर्न एरिया टाइप ही लगता है, ठीक है, टाइप और, ही लगता है? हाँ टाइप ही है ना, अभी नॉर्दर्न एरिया ही है चलो नॉर्दर्न एरिया ही कह रहे थे इसको। बहुत अच्छा है सीन हमारा, बस बैठे बैठे बन गया था कि यार हम चलो छुट्टियां आ रही हैं उस पर हम जा नहीं सके, इस पर चलते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़रूर आए यहाँ पे एक दफ़ा आके, एक नाइट या दो नाइट स्टे कर सकते हैं तो अच्छा है। लॉन्ग वीकेंड में आप आगे भी निकल सकते हैं, बाकी एक दो नाइट के लिए बहुत अच्छी जगह आपको स्टे। बाकी वो कहते हैं ना कि जी सडन प्लान्स आर ऑलवेज द बेस्ट। हाँ तो बिल्कुल, प्लान आप करते रहे एक महीना दो महीना, कभी भी वो प्लान नहीं बनता। हाँ नहीं बनता, लेकिन जो प्लान जो है वो अचानक से आप डिसाइड करें कि यार सुबह निकलते हैं, वो हमेशा जो है वो बन जाता है। Thank you.
हूँ।